हमें ऐसा लगता है कि दुनिया में हमारे अलावा जितने भी लोग हैं उनकी ज़िंदगियों में कोई आजमाइश ही नहीं है, और जितनी आजमाइशें हैं वो सब हमारी ज़िंदगी में हैं। और अगर हमें किसी की आजमाइश दिख भी जाए, लोग बताएं कि भाई वो कितना परेशान है, ऐसा है वैसा है, तो हम हमेशा ये सोचते हैं कि जैसी भी आजमाइश है हमसे ज़्यादा नहीं हो सकती, अल्लाह ताला ने उसको औलाद दे दी, मेरे पास औलाद नहीं है, अल्लाह ताला ने उसको बंगला दे दिया, अल्लाह ताला ने उसको घर दे दिया, गाड़ी दे दी, हमारे पास तो ये भी नहीं है, हमारे पास तो वो भी नहीं है। लेकिन अफसोस ये है कि हम ये भूल जाते हैं कि अगर अल्लाह ने उसको औलाद दी है तो बजाय इसके हम ये कहते हैं अल्लाह तो इसको और दे दे, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की तारीफ कर दे, लेकिन हम अपने हसद और बगुस के इतने ज़्यादा मजबूर हैं कि हम ये नहीं देखते कि अल्लाह ताला ने अगर उसको औलाद दी है तो अल्लाह ताला ने उसको आजमाइश में भी डाला है औलाद की, कि अल्लाह ने उसको कैसी औलाद दी है, अल्लाह ने उसको घर दिया है, हमें ये नज़र तो आ गया, लेकिन उस हसद की वजह से जो हमारे अंदर है हमें ये नज़र नहीं आया कि उस घर के अंदर वो कितना लड़ झगड़ कर रहते हैं। हमें उसकी गाड़ी नज़र आ गई लेकिन उसकी बुरी सेहत नज़र नहीं आई। जो चीज़ हमें सोचनी चाहिए थी वो ये थी कि अल्लाह ने हमें क्या दिया है, हमें किन नेमतों से अल्लाह ताला ने नवाजा है। जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है कि उन्ज़ुरु इला मन हुवा असफला मिनकुम, कि उस शख्स को देखो कि अल्लाह ताला ने तुमसे ज़्यादा जिसको आजमाइश में रखा है, कि तुम्हें एहसास हो अपनी नेमतों का कि अगर ये आजमाइश मेरी जिंदगी में आ जाती तो आज मैं कहां खड़ा होता, बजाय इसके कि तुम दूसरों की नेमतों को देखकर हसद करो। तो जो अल्लाह ताला ने आपको नेमतें दी हैं, जो अल्लाह ताला ने आपको चीज़ों के साथ नवाजा है, जो भी खैर अल्लाह ताला ने आपको ज़िंदगी में दी है, उस पर बजाय इसके कि आप दूसरों को देखें आप अल्लाह का शुक्र अदा करें। वरना न जाने कितने लोग हैं, आप खुद सोचें कितने लोग हैं जो दो वक्त का क्या, एक वक्त का खाना खाए बगैर भी सो जाते हैं। अल्लाह ने आपको दो वक्त का दिया, ये आपको नज़र नहीं आया। अल्लाह ने आपको छत दे दी रहने के लिए, भले फ्लैट ही क्यों ना हो, लेकिन आपको वो लोग नज़र नहीं आए जो रातों में, जिनके सर के ऊपर छत नहीं होती, वो खुले में सोते हैं। तो अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करें, और जो अल्लाह ताला ने आपको आजमाइशें दी हैं उस पर आप सब्र करें। जब आप अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करेंगे तो अल्लाह ताला आपकी नियमतें और बढ़ा देगा। जज़ाकअल्लाह खैर।